जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। शनिवार को झांसी से मऊरानीपुर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कृषि कानून बिल के विरोध में उप तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जहां पर किसान नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार द्वारा किसानों की मांग पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते आज उन्होंने मऊरानीपुर तहसील परिसर में प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए मांग की है कि सरकार कृषि कानून को वापस ले तथा समर्थन मूल्य निर्धारित करते, जिससे कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके। सरकार से मांग की है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ वार्ता कर किसानों की मांगें पूरी करें। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले बिल जो किसानों के लिए हानिकारक हैं, इसलिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि तीनों किसी बिलों को वापस लिया जाए। और दूसरी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बनाया जाए और इसको पास कराया जाए, जिससे कि हमारा किसान वर्ष भर MSP पर अपना अनाज अपनी ज़रूरत के अनुसार बेच सके। और तीसरी बात, हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से निवेदन किया है कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, किसानों को केंद्र सरकार सम्मानपूर्वक बातचीत के लिए बुलाए और उनकी मांगें मान करके सम्मानपूर्वक किसानों को धरने पर बैठे हैं वो समाप्त कराया जाए।